नमस्कार, बज स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नाम केशव कश्यप है। अभी मैं हूँ हीनू में, शुक्ला कॉलोनी के पास में, ठीक फन सिनेमा और आईलेक्स की बगल वाली गली में अभी हम हैं, जहाँ पर है हबीब हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी। जब भी हम सौंदर्य की बात करते हैं या फैशन की बात करें तो कई सारे सवाल मन में आते हैं। तो हबीब्स के ब्रांड की जो फ्रेंचाइजी की बात करें, कैसे लेनी चाहिए, क्या यहाँ पर सिखाया जाता है, तो जो इन संस्थान है इसमें आपको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन क्या किया जाता है कि आप ब्यूटिशियन के फील्ड में अपने करियर को अगर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे, जो ब्यूटी के फील्ड में, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, इस क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप विज़िट कर सकते हैं हबीब हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी में। अभी एडमिशन भी यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ की जो मैनेजमेंट ओवरऑल देखती हैं, शिल्पी जी। मैम नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैम थोड़ा लाउडली बोलिएगा, जैसे अगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं कहीं पर भी, लेकिन खास करके जब ऐसे फील्ड की बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी और हबीब्स के ब्रांड के बारे में जो यहाँ हम लोग ट्रेंड करते हैं, जो हम देख भी रहे हैं कैमरे में साथ में, आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरे बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल की सिंगल एकेडमी है। अभी कोलकाता में एकेडमी ओपन हुई है, ठीक है, इसी ब्रांड की। हाँ, यही हबीब ब्रांड की ही एकेडमी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हुई है वहाँ पे ओपनिंग। लेकिन ये रांची जैसे छोटे शहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे लोग पहले छोटे मोटे पार्लर में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे, तो वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले लोग इसको एज अ ब्यूटी पर्पस खुद से सीखना और वो क्या कहते हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए नहीं करते थे, थोड़ा बहुत। लेकिन अभी ये बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस एकेडमी से लोग सीख के हमारे रांची के जितने भी सर्टिफाइड सलोन है वहाँ पे हम लोगों को प्लेसमेंट देते हैं। हाँ, वो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो एक आरएसए संघ से जुड़े हुए हैं, रांची सलोन एसोसिएशन से। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, उन सबका इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट कराते हैं, और रांची के जितने भी सर्टिफाइड सलोन हैं वहाँ पे हम लोग इनको प्लेसमेंट देते हैं। मैम, जब भी आप मैनेजमेंट यहाँ सारा देखती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो हम क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं और कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं? ओके, एक्चुअली हमारे पास तो मल्टीपल कोर्स है, बट सबसे ज़्यादा जो कोर्स है लोग जो बाहर ब्यूटी कोर्स के नाम से जानते हैं, बट हमारे यहाँ उस कोर्स को कॉस्मेटोलॉजी कोर्स कहते हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें होती हैं हेयर स्किन एंड मेकअप, इसी से हम लोग कंप्लीट ब्यूटिशियन का कोर्स कहते हैं। तो ये तीनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और बाहर इसका बहुत डिमांड है। आप एक कंप्लीट ट्रेनर कहलाएंगे, हेयर ब्यूटी एंड स्किन हेयर मेकअप जो हमारा पूरा कोर्स है। ये करने के बाद क्या होता है, रांची के किसी भी सलोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज है। ये 6 मंथ्स का हमारा कोर्स है, ये कंप्लीट पैकेज है, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स। ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है और पसंद भी किया जाने वाला है, और साथ साथ अगर करियर को ग्रो करना है तो एक साथ आप तीनों चीज़ों को सीख सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो जो भी मेल स्टूडेंट है ना, वो सिंपल हेयर कोर्स करके भी बाहर काम कर सकते हैं, बट फीमेल के लिए किसी दो सब्जेक्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक स्किन और हेयर, या हेयर और स्किन और मेकअप, या स्किन और हेयर। स्किन कंपलसेशन हो जाता है, क्योंकि रांची जैसे छोटे शहर में अगर आप कोई एक कोर्स कर रहे हैं, हेयर कोर्स कर रहे हैं, तो डिमांड आजकल लड़कों की है सबसे ज़्यादा। हेयर कोर्स, हेयर कटिंग वगैरह लोग लड़कों से ही कराते हैं, मेल कैंडिडेट से कराते हैं, और मेकअप हमारा ओकेजनली आता है, डेली बेसिस पे होता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग जो भी यूथ हैं, जो भी फीमेल हैं, उनको हम लोग किसी दो सब्जेक्ट पे कमांड कहते हैं, बट स्टिल अगर हमारे पास कॉस्मेटोलॉजी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ट्रेनर्स अगर मिल जाए जो और भी ट्रेनर जो हाँ जी हमारे एकेडमी की फैकल्टी निधि मैम। मैम जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर तो आप पहले अपना परिचय बताएं आपके। मेरा नाम निधि गुप्ता है, यहाँ की सीनियर फैकल्टी हूँ, और मैंने 2018 में कोर्सेज यहाँ से ही की थी। और कोर्सेज को देखते हुए हमारे डायरेक्टर सर ने मुझे यहाँ के लिए जॉब के लिए ऑफर किया था, देन 2019 से यहाँ ही वर्किंग हूँ। मैम जैसे स्टूडेंट आपके पास आते हैं, तो जैसे मैम भी बता रही थी कॉस्मोलॉजी का जो क्षेत्र है उसमें लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा एडमिशन किस में लेने की कोशिश होगी?
देखिए स्टूडेंट्स का ना अगर हम बात करें गर्ल्स का तो ज़्यादा फोकस मेकअप की तरफ रहता है कि मेकअप में कोर्स हो मेकअप में कोर्स हो, और बॉयज़ का ज़्यादा हमारा हेयर की तरफ होता है। बट हम लोग कोशिश करते हैं ना बॉयज़ अगर हमारे जो मेल हेयर ड्रेसर होते हैं वो सिर्फ हेयर का करके वो आगे अपना प्लेसमेंट ले लेते हैं और अभी काम भी कर रहे हैं काफ़ी जगह पे, पर फीमेल्स के लिए हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट कोर्स करें जिसमें स्किन मेकअप एंड हेयर तीनों का होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिसको हम लोग कॉस्मेटोलॉजी के कोर्स में कहते हैं। मिनिमम हम 3 महीने 6 महीने देखिए अगर आप कंप्लीट कोर्स करते हैं जिसमें हमारा स्किन मेकअप एंड हेयर तीनों होता है ना तो वो हमारा 6 मंथ्स का टाइम लगता है। हाँ जी थैंक यू सो मच। तो ये फैकल्टी है और जो बेसिकली खास करके आप बता रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आप कि ट्रेंड की हम बात करें या अगर सीखने की बात करें तो उस सेक्शन में कई सारे सवाल मन में होते हैं और ऐसा एक फील्ड जहाँ पर आप करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं करियर को ग्रो अप कर सकते हैं तो वह एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फैकल्टी हम उनसे बात करेंगे कैमरा पर्सन को कहेंगे वो भी यहाँ की जो फैकल्टी हैं क्या नाम है मैम आपका? सरेजा मैम जैसे दोनों मैम ने बताया कि कॉस्मेटोलॉजी को खास करके लोग करियर को ग्रो करते हैं, आप काफ़ी अनुभवी नज़र आ रही हैं तो खास करके स्टूडेंट क्या आपसे सवाल करते हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने रांची में क्या डेवलपमेंट देखा है इस फील्ड को लेकर? मेकअप को लेके तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। किस तरह से? मैं पहले यहाँ इतना लोग मेकअप के प्रति नहीं थे लेकिन अभी हाँ अभी बहुत ज़्यादा है मेकअप का लेके स्टूडेंट जैसे गर्ल्स स्टूडेंट तो अभी मेकअप को लेकर अभी आप देख भी रहे हैं कि कितना ये इन लोगों का मेकअप का बहुत हाँ बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और बॉयज़ में ज़्यादा हेयर क्लास है हेयर और केमिकल। हाँ मैम जैसे कि जैसे हबीब्स का ये ब्रांड है और हम लोग हेड ऑफिस है अपना हीनू में यहाँ पे शुक्ला कॉलोनी में ठीक फन सिनेमा के नज़दीक में, लोग ब्रांड से ही जुड़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्या सवाल करते हैं ब्रांड में जुड़ने के लिए या एडमिशन लेने के समय आपको क्या लगता है क्या वो क्वेश्चन करते हैं? हाँ कि ब्रांड तो होना ही चाहिए, बिना ब्रांड के सीखने से कोई वैल्यू नहीं है कोई हाँ कोई फ़ायदा नहीं है तो ब्रांड तो होना ही चाहिए, बिना ब्रांड के तो सीखना कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये हमारा हबीब का ब्रांड है ये रांची में या कहिए आप झारखंड में पूरे एक ही है तो बिहार बंगाल में एक ही है तो यहाँ पर तो यही बच्चे लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हम यहाँ से सीख के जाओ और सीखते भी हैं और सबको अच्छा प्लेसमेंट में मिलता है यहाँ से बाहर। अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट निकले हुए हैं वो अच्छा जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं हाँ सेटल हाँ हाँ। और देखिए सेल्फ डिपेंडेंट है, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है सेल्फ डिपेंडेंट है। शुक्रिया मैम। तो ये थी जो सीनियर फैकल्टी थी संजना मैम, मैम पूरा नाम क्या हुआ? संजना सिंह। संजना सिन्हा मैम एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छी बात ये कही कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो श्योर होते हैं कि आपको प्लेसमेंट अच्छी जगह मिलेगी और ऐसी संस्था जो आपको ग्रेड करे। तो हम अभी अब थे हबीब हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी में, एक स्टूडेंट है हमारे साथ हबीब एकेडमी में, उनसे बातचीत करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्तिका मिश्रा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ सीख करके, और मेरा कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स है 6 मंथ का कोर्स है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और बस अब ख़त्म ही होने वाला है। कैसे मन में आया कि इस फील्ड में करियर बनाना है, मतलब क्या कैसे लगा? मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में इसीलिए मैं अपना करियर बनाने हाँ ट्रेंड होना चाह रहे थे सीख लें और उसके बाद फिर अपना सैलून खोल के अपना उसमें करियर बना हाँ ग्रो कर सके। तो कॉस्मोलॉजी जो आप सीखा आपने सारे पैकेज को एक साथ आप सीखे तो सबसे आसान और सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगा? मेरे लिए तीनों सही है बट हेयर में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बाकी स्किन और मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है। फैकल्टी काफ़ी ट्रेंड है। हाँ बहुत अच्छे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग भी अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के सीखना चाह रहे हैं ताकि अच्छा आगे लाइफ में आगे कर सके डेवलप कर सके, काम मेरा अच्छा रहेगा तो लोग पसंद करेंगे ग्रो करेंगे। हाँ अच्छा फील्ड भी और करियर हाँ यही करना। थैंक यू थैंक यू।